फ्राम द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट डियर स्टूडेंट्स कैपिटल स्टॉक्स जो है उसमें चेंजेस दो तरह से आती हैं और ये दो चेंजेस अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं नंबर वन एनी परचेज ऑफ न्यू कैपिटल एक्विपमेंट आर गुड इट विल इंक्रीज द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक This is called gross investment. And secondly, existing capital stock will depreciate when we will use it. So this will reduce the existing capital stock. I repeat this. Story, that the capital stock is in a particular time period, it's two types of changes. Number one, by. Adding new capital goods and equipment. This will increase it the existing capital stock. And secondly, the existing capital stock will depreciate. So use me banega So net investment net investment gross investment minus depreciation. So we have this on the left hand side. KT plus 1 minus KT and this is equal to IT minus DKT. IT is the gross investment during year T. KT is the capital stock at the beginning of the year T and KT plus 1 is the capital stock. एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर टी प्लस वन या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं ऐट द एंड ऑफ द ईयर टी जो कैपिटल स्टॉक होगा दैट विल भीक्वल टू द के टी प्लस वन सो लेफ्ट एंड साइड पर वी हैव के टी प्लस वन माइनस के टी दिस इज द नेट इनक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक के टी पीरियड के स्टार्ट में कितने कैपिटल स्टॉक था और उसके एंड पर उस पीरियड टी पीरियड के एंड पर कितना कैपिटल स्टॉक है सो दिस इज़ द नेट इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक दिस इज इक्वल टू आई टी आई टी इज़ द ग्रॉथ इन्वेस्टमेंट कि हमने उसमें कितना इजाफा किया कितना और परचेज किया या कोई बिल्डिंग थी उसे कंस्ट्रक्ट किया माइनस डी के टी डी इज द डेप्रिसिएशन रेट कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है ये जब यूज़ करते हैं तो किस रेट से ये डेप्रिसिएट होता है ये डेप्रीसी रेट है एंड के टी इज़ द कैपिटल स्टॉक सो इस रेट को जब आप एग्जिटिंग कैपिटल स्टॉक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आपके पास डप्रीसीशन आ जाएगी सो so, इस तरह से नेट इंक्रीज जो है कैपिटल स्टॉक में इसके दो हिस्से हैं नंबर वन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ग्रास इन्वेस्टमेंट से मुराद ये कि हमने नई कितनी चीज़ें उसमें ऐड किए हैं माइनस डप्रिसिएशन कितनी हुई है सो so, इसको हम इसी एक्सप्रेशन को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा जिसमें आई टी इज़ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर आपके पास के टी प्लस वन माइनस के टी दैट इज़ द एडिशन जो उसमें हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में किया है एक टी टाइम पीरियड में प्लस डी के टी दीसीशन सो इफ हम कैन चेंज देअर कैपिटल स्टॉक इन वन पीरियड दैन द डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक विल बी एक्ल टू के टी प्लस वन यूजली कैपिटल स्टॉक को चेंज करने के लिए एक से ज़्यादा पीरियड्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी हम कैपिटल स्टॉक में चेंज लाना चाहते हैं वो एक ही टाइम पीरियड में एक ही ईयर में हम ला सकते हैं तो इस एतबार से, तबार से डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक को हम डिनोट कर रहे हैं बाई के स्टार से दिस इज द डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड दिस इज इक्वल टू के टी प्लस वन सो हम रिप्लेस कर रहे हैं के टी प्लस वन को के स्टार से किस सदम्पन के तहत कि जो हम यानी साल के शुरू में जो एक फॉर्म प्लान करती है कि इस साल के एंड पर उसका कितना कैपिटल स्टॉक होना चाहिए प्लानिंग किस बेसिस पर होगी ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं ये मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की जो हमारे पास फोरकास्ट है एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी बेसिस पर होगा उसकी जो यूज़र कास्ट है उसकी बेसिस पर होगा तो फ़ाम ने जो भी प्लान किया है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कौन सा कैपिटल स्टॉक जो होगा वो उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करेगा तो उसको हम के स्टार से आप डिनोट करें और इसको रिप्लेस करें के टी प्लस वन सो के स्टार माइनस के टी प्लस डी के टी दिस इज़ द ये एक्सप्रेशन है जो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को जाहिर कर रहा है। आई टी इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के स्टार इज द कैपिटल स्टॉक जो हम चाहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हम जिस लेवल को अचीव करना चाहते हैं कैपिटल स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड टी सो दिस विल बी के स्टार माइनस के टी दिस विल बी द चेंज द नेट चेंज इन कैपिटल स्टॉक जो हम चाहते हैं कि एक साल में हम उसमें इजाफा करें प्लस डी के टी दिस इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट हो गए इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन ये यही वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका पीरियड जो है वो एक की बजाय मल्टीपल पीरियड्स इन्वॉल्व हैं उसको डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक को अचीव करने के लिए ये ये पूरा कॉन्सेप्ट हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अभी तक जो हम बात कर रहे थे ये हम बात कर रहे थे फिक्स कैपिटल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कि फॉर्म्स जो हैं वो कोई नया प्लांट लगाना चाहते हैं नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उसमें तो फॉर्म्स अगर अपनी इन्वेंटरीज में इजाफा करना चाहती हैं ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है इन्वेंटरीज से मुराद क्या है कि टोटल स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स उसमें शामिल होगा आपकी जो अन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होंगी वो इन्वेंटरी का पाक हो, पार्ट होगा और इसी तरह से रॉ मटीरियल भी इन्वेंट्री का पा पार्ट होगा तो इस तरह इसमें जो इजाफा होगा दिस इज़ आल्सो एन अदर फार्म ऑफ इन्वेस्टमेंट और इस पर भी यही रूल अप्लाई होगा और सेकेंडली अगर हाउसिंग सेक्टर को हम लें तो हाउसिंग सेक्टर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना करेंगे तो वो भी इसी रूल के तहत उस पर भी हम इसको अप्लाई कर हाउसिंग की फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हाउसिंग में आप घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसके आपके घर कास्ट करने की यूज़र कॉस्ट क्या है और उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा बेनिफिट क्या होगा आप उसको रेंट मिलेगा आपको उससे उसकी आ, उसकी मेंटेनेंस पर कुछ खर्च करना पड़ेगा ये आप उसमें से रेंट में से सब्टेक्ट कर देंगे या उसकी वैल्यू में एडिशन होगी ये ये कुछ पॉसिबल उसकी बेनिफिट्स हैं और कॉस्ट इसकी क्या होगी कि आपने उसको कंस्ट्रक्ट करना है उसको कंस्ट्रक्ट करने पर आपको फंड्स रिक्वायर्ड होंगे उन पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो खा आपके अपने फ़ंड्स हैं या आप कहीं से वारो करते हैं दोनों सूरतों में हम इसको इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये इसको हम कंपेयर करके अगर उसका यूज़र कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज़्यादा है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और वरना नहीं करेंगे इस सारी बात को अगर हम सम करें तो हम ये कह सकते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट में अगर इजाफा होगा तो उससे डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी क्यों कम हो जाएगी हम पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट में इजाफे से यूज़र कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी और उसकी वजह से डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक कम हो जाएगी और इसी तरह से अगर गवर्नमेंट की टैक्सेशन की पॉलिसी में कुछ चेंज आती है और इफ़ेक्टिव टैक्स रेट अगर बढ़ जाता है तो उसके नतीजे में भी डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी और फाइनली अगर एक्सपेक्टेड मार्जिन प्रोडक्ट जो है फ्यूचर में उसके कम होने का इम्कान है या उसके बढ़ने का इम्कान है तो ये भी आपकी डिज़ायर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेगा थैंक यू वेरी मच